पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में शहर के नामचीन निर्यातक महेश अग्रवाल और उनके अग्रवाल संगठन पर मंदिर की जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित छोटेलाल दक्ष ने निर्यातक महेश अग्रवाल और उनके अग्रवाल संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरा परिवार और मेरी पीढ़ी लालबाग स्थित कामधेनु मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मंदिर पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं। छोटेलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को मेरे द्वारा सभी प्रकार के कागजात उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन महेश अग्रवाल और उनके संगठन के द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए जा रहे। पीड़ित का कहना है कि यही संगठन उस समय पहले भी समझौता कर चुका है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अपनी नजर इस मंदिर की जमीन पर बना ली है। हालांकि निर्यातक महेश अग्रवाल से जब फोन पर बात की गई, तो उनका कहना है ये जगह अग्रवाल सभा की है और हमारे द्वारा छोटेलाल को मंदिर की देखरेख के लिए रखा गया था। देखिए, मैं लालबाग काली के मंदिर के पास कामधेनु रति देवी मंदिर है, उसका महंत और अध्यक्ष हूँ। उस मंदिर में काफ़ी समय से दशमी हो रहे हैं, जो कि हमें कोई इस पर इतराज़ नहीं है और अच्छा चल रहा है सर। उस मंदिर का ट्रस्ट भी बन गया है 2016 में, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संपत्ति पर नज़र गाड़े हुए हैं। जैसे मुरादाबाद इंटर कॉलेज की जगह बेच दी इन लोगों ने, वैसे ही जगह कोई सेल करने के मूड में है या क्या करना है? कौन लोग हैं? ये अग्रवाल सभा के अध्यक्ष महेश अग्रवाल जी, ओम संस वाले हैं ये, और इनकी पूरी टीम मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे जो नारी उत्थान के लिए मैं सेंटर बना रहा था लड़कियों के लिए, उसके लिए इन्होंने लिख के दे दिया कि ये अवैध निर्माण करा रहा है, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जो मेरे ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि मैं लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर बनवा सकता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। जो डीड में लिखा है मैं वही करूँगा, उससे अलग मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये मुझे बहुत परेशान कर चुके हैं, पहले भी इनसे एक दफ़ा विवाद हुआ था 2016 में, उस टाइम भी ये लोग आए थे इकट्ठा होकर। उसके बाद में DM राकेश कुमार जी ने इनसे कागज़ मांगे थे, ये बोले साहब ये संपत्ति हमें दान में मिली हुई है। बोले दान के कागज़ दिखाइए, तो इनके पास दान के कागज़ भी नहीं निकले और ना ही इन पर कोई कागज। और ये जो गाटा संख्या 450 में दर्ज है ये संपत्ति, जो कि मंदिर दर्ज है, आबादी मंदिर, ये दसवा घाट नहीं है। दसवा घाट की जो जगह पड़ी है आज भी सामने है, संतो जी माता के मंदिर के पीछे जो बरांडा है वो वहाँ पर पहले दसवा होते थे, लेकिन यहाँ हो रहा है हमें कोई गुरेज नहीं है। वो भी सार्वजनिक कार्य है, अभी हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं, पूरे हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं और साथ साथ पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। ये जो महेश अग्रवाल हैं, आपको तो कोई धमकी वमकी देते हैं? महेश अग्रवाल जी ने मुझे किसी के हाथ फ़ोन करवाया था कि आप चले जाइए, भाई साहब बाहर से आ गए हैं और तुम अकेले जा कर उनसे बात कर लो। किसका फ़ोन आया था? राम, इनके मित्र हैं राम जी गुप्ता, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम घर चले जाओ प्रभात मार्केट पे, लेकिन मुझे किसी ने मना कर दिया कि वो जरा मैं तुम्हें आरोप लगा दें कि चोरी करने आया है या मुझे मारने आया है, तो बोले तुम जेल चले जाओगे, तुम्हारी लड़की की शादी भी नहीं होगी। क्या चाहते हैं? मैं तो बस यही चाह रहा हूँ कि इसकी जाँच करे पुलिस। मैंने सारे कागज़ पुलिस को दे दिए हैं, फर्द खसरा खतौनी इनका जो भी समझौता हुआ था 2016 में वो भी दे दिया है, और अपना ट्रस्ट का डीड भी दे दिया है इनको। मैं ये चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन में लिखा हुआ ये जो है कब्जा करना चाह रहा, ये ज़बरदस्ती इस पे कब्जा करने के ही मूड में है, और कल को ये बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं और जो कि मुझे प्रताड़ित करेंगे, क्या करेंगे, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और मेरे साथ भी ये कुछ भी करवा सकते हैं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मेरा अपहरण हो जाए या मैं कहीं मारा गिरा पड़ा मिलूँ, तो इसके जिम्मेदार अग्रवाल सभा के अध्यक्ष महेश बाबू, महेश अग्रवाल जी होंगे और इनके जो पदाधिकारी हैं वो सब होंगे। तो किसका मतलब है राजनीति चल रही है, कौन इसके पीछे है जो अपना कुर्सी का नजर फायदा हो रहा है? देखिए, इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन ये मुझे परेशान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अग्रवाल सभा की संपत्ति है। अग्रवाल सभा कभी कागज नहीं लाती और ना ही इन पे पेपर हैं। तो कुल मिलाकर आपका इशारा कब्जा करने का तो नहीं है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इनका पूरा यही इशारा है कि हम इस पे कब्जा करें, क्योंकि मुरादाबाद इंटर कॉलेज की जगह शेरावाली मंदिर के सामने थी, इन्होंने उस संपत्ति भूमि को बेच दिया जो सुधांशु के पापा थे राम कुमार जी, और भी लोग थे जिनका मुझे नाम मालूम नहीं है, इन लोगों ने मिलकर वो संपत्ति को बेचा। अभी तक मुरादाबाद इंटर कॉलेज के नाम से कोई जगह नहीं खरीदी गई है, किराया स्थल था वो बच्चों के खेलने की जगह। मानती जी खास बात बताइए जी, महेश अग्रवाल एक कारोबारी हैं जी, तो आखिरकार एक कारोबारी व्यक्ति इस तरह की दबंगियत क्यों दिखा रहा है? क्या परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है उसके जो राजनीति पकड़? ये इनके समाज के लोग इनको चढ़ा रहे हैं, सुधांशु हैं, रतन हैं, बहुत से लोग हैं जिनका मैं और भी नाम नहीं जानता। अब ये कह रहे हैं कि इस पर पिछला समझौता हमारा हमने नहीं करा और इसके इनके साइन हैं सबके, उसके बाद भी समझौते को नहीं मानना, कह रहे हैं मेरा भाई मेयर है किसका और मेयर है? महेश बाबू बोले मेरा भाई मेयर है, मुझसे छोटा है। अच्छा। और ये तुम्हें तो खाली करना पड़ जाएगा हर रात में। अच्छा, आप कब से काबिज हो, मतलब मंदिर में कब से सेवाएं दे रहे हैं? ये आए थे अनिल भट्टे वाले आए थे। कब से हैं आप मंदिर पर? देखिए ये मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है और 2010 में ये लोग आए थे यहाँ का जीर्णोद्धार करने के बहाने से, कि हम इस जगह का जीर्णोद्धार करना चाह रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा भी था जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता था, मैं हिंदी में बता दूँ, बोले इसको हम बनवाएंगे और बनवाने के बाद में आपको सुपुर्द कर जाएंगे, हम आपके आमदनी बढ़ जाएगी मंदिर की, हम इनके ऊपर विश्वास हो गया। लेकिन ये उस टाइम ये नहीं थे, सिंगल साहब थे जिन्होंने महाराजा अग्रसेन संगठन का निर्माण करा था। तो कहीं ना कहीं कुर्सी का फायदा उठा रहा है ये अपने भाई की नजायज कुर्सी का फायदा उठा रहा है और मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पुलिस प्रशासन कोई भी पहले इसकी जांच कराएं, अगर इनकी है ये संपत्ति तो इनको दिलवा देने को तैयार हूँ। अगर इनके पास कागज हैं अग्रवाल सभा के नाम से तो मैं इनको दे दूंगा, मैं अपने मेहनत मजदूरी करने लगूंगा, क्योंकि मेरे बचपन से अब तक बूढ़ा हो गया, उससे पहले हमारे माता पिता थे और आज भी हम सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर को कहाँ से कब बना दिया, सब जनता के सहयोग से हुआ है। अब ये कहते हैं तुम अवैध वसूली कर रहे हैं, मैं जितना भी पैसा आ रहा है मेरे पास उस पैसे को मैं बैंक में जमा करता हूँ, ट्रस्ट का खाता खुला हुआ है, और वहाँ से चेक द्वारा पैसा निकाल कर जहाँ जहाँ खर्चा होता है उसमें करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि जहाँ संतों की नगरी कहा जा रहा है पूरे यूपी को, बाबा योगी इसके मुख्यमंत्री हैं, तो देखिए महंतों को ये लोग हमेशा डराते धमकाते रहे हैं, और जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं उन्हें ये कोठियों में बैठाते हैं और उनकी आओ बखत करते हैं, लेकिन हम जैसे को तो ये समझते हैं जैसा ये कोई हमारा नौकर दिख गया है। ये मुझे अपना नौकर भी बताते हैं, मैं कहता हूँ मैं आपका नौकर रहा हूँ तो आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट तो दीजिए, कब मुझे तनख्वाह दी है आपने, कौन सी सैलरी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहते ये लोग। फिर पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।